सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में इन्वेस्टर समिट को लेकर के प्रेस वार्ता की है और सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2025 की दृष्टि से सरकार का ये प्लान है और प्रदेश में निवेश को लेकर के क्षेत्रीय स्तर पे इन्वेस्टर समिट होगी। दो दिन पहले मुंबई गया था, 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाले कंक्लेव को लेकर के उद्योगपतियों से मुलाकात की है। अलग अलग कंपनियों के 35 से ज्यादा MD और CEO से वार्तालाप हुई है। निवेशकों को किसी तरह की कठिनाई न आए इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सभी सेक्टर्स में उद्योगपतियों की रुचि दिखाई दी है। आपको बता दें कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे ऐसा मोहन यादव का मानना है। 1500 निवेशकों को न्योता दिया गया है जिसमें 1000 के आसपास निवेशकों के आने की संभावना है। आगामी 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्री कंक्लेव जबलपुर में आयोजित होने वाली है। इसके बाद ग्वालियर, दमोह, सागर, रीवा में भी आयोजित होगा और इसके प्रस्ताव अभी से हमारे पास आने लगे हैं ऐसा प्रेस वार्ता में मोहन यादव ने कहा। अब जब जबलपुर की होने वाली है तो अभी से इसका लाभ ये मिल रहा है कि भविष्य में जो अगस्त में ग्वालियर की होने वाली है, ग्वालियर के प्रस्ताव भी आने लगे, जो दमोह सागर के अंदर होने वाली है सागर के प्रस्ताव भी आने लगे, इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूंगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए, जैसे ये HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी जिले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। महिंद्रा हॉलीडे, इसके MD और CEO ये सारे लोग आए थे जिनने बांधवगढ़, उमरिया, आसपास के रिवर फॉरेस्ट में अपने ढंग से काम की बात कही है। कुल मिलाकर के इंदौर के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद जब हम इस पे चल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ, तो लगभग 35 से ज्यादा निवेशकों के अलग अलग MD से, CMD से, इनसे व्यक्तिगत बात भी की, कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई और जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक तो अच्छी बात यह हो रही कि सीधे संवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनको साथ की गई बातचीत के आधार पर पिछले संवाद में या उस पिछली बार बातचीत में कोई कठिनाई आ रही है, कोई विभाग के विषय आपस के, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी खड़ा हो रहा है कि एक बार आमतौर पर जब हमें अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए, सभी प्रकार से कोई इसमें कठिनाई नहीं आना चाहिए।